तो गाइस पहुंच गए अपने फैनों के पास हम। ये देख सकते हो अपने फैन लोग हैं। कोहिनूर ये अपने कोहिनूर बाबू है, आप देख सकते हो। Hey guys, assalamu alaikum, this is your host Fadil. Welcome back to my new fresh video. I hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज भाई ने सोचा कि मैं कुछ करूं नया आपके लिए, तो आज भाई के लिए बहुत ही अच्छा मतलब वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज आपका भाई मार्केट में व्लॉगिंग करेगा, लोगों का रिएक्शन भी देखेंगे क्या होगा। तो गाइज मेरा जो प्लान था मेरा कहीं और जाने का, मैंने सोचा था मैं कहीं और जाऊंगा, लेकिन रात को इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि सारे प्लान कैंसिल करने पड़े भाई को। तो आज फिर भी मैंने सोचा चलो आज लोगों की भीड़ मार्केट में थोड़ी सी कम होगी, तो मार्केट में ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मार्केट में थोड़ी सी व्लॉगिंग करेंगे। तो जा रहे हैं मार्केट, और आपको जो बीच बीच में गार्डन से जाएंगे आपको गार्डन का व्यू भी दिखाएंगे, और मार्केट में थोड़ी सी व्लॉगिंग भी करेंगे, आपको वेरिना का मार्केट भी दिखाएंगे। तो गाइज जो चैनल पर नए हैं तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले वो सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज चलते हैं अपनी लोकेशन पर जहां हमको जाना है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। गाइज आप देख सकते हो एक ही रात में एक ही नाइट में कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जो हमारा गांव है अब रोड पे बर्फ देख सकते हो, कितनी ज्यादा बर्फ है, क्या ही बोलूं आपको, बहुत ही ज्यादा ठंड है आज। हमने नहीं सोचा था कि अब बर्फ गिरेगी, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, गाड़ी के ऊपर देख सकते हो ये जो बर्फ है ये रात को ही गिरी है, इतनी ज्यादा ऊपर वाला बचाए। तो गाइज यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, मतलब कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। ये चिनार के पेड़ अभी पूरे नंगे हैं। जो गाइज आपको ये ऊपर पेड़ दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं देवदार के पेड़, इनको कश्मीरी में बोलते हैं यार्ड। आप खुद ही देख सकते हो, आप खुद सोच सकते हो मतलब क्या ठंडी होती होगी ऊपर, क्या मजा होता होगा ऊपर। बहुत ही अच्छा मतलब व्यू भी देखने को मिल रहा है गाइज, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही लाजवाब व्यू। अब गार्डन के अंदर जाएंगे। तो गाइज फाइनली आ चुके हैं हम गार्डन में, बहुत ही ज्यादा सर्दी लगी है हाथों को भी, और रास्ता बिल्कुल भी नहीं बना है। लेकिन आप सोचते होंगे भाई खाली बर्फ में व्लॉग बनाते हैं, गाइस क्या ही करूं मैं। हमने सोचा था मैंने सोचा था मैं कहीं जाऊंगा अच्छी प्लेस पे, दिमाग में भी था, दो तीन व्लॉग मेरे दिमाग में थे, अच्छे अच्छे कंटेंट थे दिमाग में, लेकिन बर्फ ने पूरा ही सिस्टम खराब कर दिया, क्या ही बोलूं आपको मैं। अब खुद देख सकते हो एक ही रात में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी है। परसों आपने खुद ही देखा कितनी ज्यादा धूप निकली थी, बहुत ही अच्छी धूप निकली थी। सब लोगों ने सोचा था कि जो विंटर है, जो सर्दियों का मौसम है, वो खत्म हो गए, अब तो आ गई है। मतलब इंसान जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ऊपर वाला ना, जो मतलब लोगों ने प्लान किया होगा कहीं जाने का, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, सब प्लानिंग ऊपर वाले के हाथ में, जो वो करेगा सब अच्छा ही करता है, आपको क्या ही बोलूंगा। इसमें बहुत ही ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा। तो अंदर जाएंगे चश्मे के अंदर, आप चश्मा भी देख सकते हो आज, मतलब कितना क्लियर पानी, कितना साफ पानी देखने को मिल रहा है, और ऊपर का व्यू भी देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। और अभी बारिश भी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है आज, आपको क्या ही बोलूं मैं। आदिल वहां पे वेट कर रहा है आगे, तो मैं रोज सोचता हूँ आपके लिए अच्छा सा कंटेंट लाऊं, कुछ नया करूं आपके लिए, पर यार क्या ही करूं भाई, क्या करे, जो अपना प्लान था वो कैंसिल हो गया। इससे पहले गए थे पुरानी टंडल, वहां पे भी बर्फ नहीं उठी थी, वो भी कैंसिल करना पड़ा। लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे से कंटेंट बना के लाएगा भाई। लेकिन आजकल आप सोचते होंगे भाई ने इससे पहले भी ये दिखाया, लेकिन गाइस क्या ही करूं मैं, आज बर्फ भी गिरी थी, वीडियो भी नहीं बनाया बहुत दिनों से, आपसे बात भी नहीं की। मैंने सोचा ये वीडियो, इस वीडियो में आपसे बात ही कर लूं मैं, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। तो पीछे का व्यू भी देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है गाइस। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको पीछे का व्यू, आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, पहाड़ कितना अच्छा देखने को मिल रहा है, और पानी भी बहुत आज साफ है, बहुत ही अच्छा पानी है, मतलब बहुत ही क्लियर पानी है, मतलब फिल्टर करके जैसे होता है ये पानी। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, जब पहले व्लॉग में जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ का पानी मतलब सर्दियों में थोड़ा गर्म होता है और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा, जैसे फ्रीजर से निकाला हुआ पानी होता है गाइस। तो आपको गार्डन का व्यू दिखाता हूं मैं, इसके बाद फिर जाएंगे वेरिना मार्केट में, आपको मार्केट का भी व्यू दिखाते चलेंगे गाइस। तो हमारा मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है, मतलब ठीक ठाक है, तो लेकिन व्यू भी बहुत ही अच्छा दिखने को मिल रहा है, मतलब अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है गाइस। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो भाई की चैनल पे नए है तो वो भाई की चैनल को सब्सक्राइब करेगी। पीछे का व्यू देख सकते हो आप गाइस, गाइस बच्चे लोग देख सकते हो पीछे कांडी लगा के, इन बिचारों को भी बहुत ही ज्यादा सर्दी लगी है, उनको देख सकते हो बेचारे ठंड से
इनका बुरा हाल है, आप देख सकते हो खुद ही बेचारे कितने मतलब कितनी ज्यादा ठंड लगी है इनको। ये बच्चे लोग मिले थे पीछे, इनसे बात की, मतलब बहुत ही अच्छे लड़के है, बहुत ही क्यूट लड़के है बेचारे। सर्दी से इनका भी बुरा हाल है, कांगड़ी लगा के फेरन लगा के। आदिल भाई कांगड़ी दिखाई दे रही यार, एक मिनट। तो आदिल से कांगड़ी लेता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ मैं कांगड़ी कैसी होती है कश्मीर में। फेरन इसके अंदर से लगा के मतलब पूरी हीट, तो जब इंसान कहीं भी निकलेगा ना इस बर्फ में तो कांगड़ी लेके ही निकलता है। सर्दी बहुत ज्यादा है, वैसे बहुत ही ज्यादा सर्दी है आज, मतलब जितनी मतलब दिसंबर में जनवरी में नहीं थी उतनी आज फरवरी में। लेकिन सबने सोचा था सर्दी चलेगी, अच्छी धूप होती है। परसों तो बढ़िया धूप थी, मतलब जैसे जून जुलाई में धूप होती है वैसे परसों निकली थी। लेकिन आज फिर से वो सिस्टम आ गया। आज बाद में कांगड़ी दिखा। तो गाइस ये कांगड़ी कश्मीर की, तो ये लगा के इसके अंदर आप देख सकते हो क्या होता है, कोयले होते हैं गर्म कोयले, तो फिर उतनी सर्दी नहीं लगती है गाइस। तो जाएंगे गार्डन से बाहर मार्केट में, जाएंगे आपको मार्केट का मार्केट दिखाएंगे थोड़ी सी। यहाँ से व्यू देख सकते हो, लाजवाब व्यू देखने को मिल रहा है। ऊपर का जो पहाड़ नहीं दिखेगा क्योंकि धुंध अभी तक नहीं थी, अभी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है गाइस। पता नहीं क्या हो सक होगा अगले इस रात को, आज की रात को कुछ भी हो सकता है गाइस। लेकिन आप व्यू देख सकते हो माशाल्लाह, वाकई इस टाइम यार रियली जन्नत लग रहा है, मैं आपको क्या ही बोलूं। नहीं है वेरीनाग का जो जिसमें से निकलते है वहीं से जाते हैं फिर नीचे दूसरे गाँव में। और जो ये आगे गाइस ये हैचरी आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोज से गाइस, यहाँ ये है वेरीनाग की हैचरी, तो आप यहाँ से मछलियाँ भी खरीद के ले सकते हो। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम वेरीनाग मार्केट में, आपको वेरीनाग का मार्केट भी दिखाते चलेंगे। तो आज तो वैसे मार्केट पूरा बंद है क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला रात को इतनी ज्यादा बर्फ गिरी है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा बर्फ गिरेगी रात में, लेकिन बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी है, आपको दिखाते चलेंगे गाइस। वेरीनाग से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है वेरीनाग मार्केट में, हमारा वेरीनाग का मार्केट है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो नई नई डेवलपमेंट नीचे तक हो रही है, मतलब मार्केट बहुत ही बड़ा है। लेकिन ऐसे तो आपको दिखने को छोटा ही लगेगा लेकिन बहुत ही बड़ा मार्केट है यहाँ का गाइज, आप देख सकते हो खुद कि अभी जो आज जितनी ज्यादा बर्फ गिरी है पूरा जो मार्केट है वो बंद है। तो गाइज आप व्यू भी देख सकते हो कि जो कि आज पूरा मार्केट बंद है, आप खुद देख सकते हो बर्फ बहुत ही ज्यादा है, ठंड भी बहुत ही ज्यादा है, मतलब आपको जैसे मैंने बोला किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फरवरी में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ेगी। आप पीछे भी देख सकते हो गाइज पूरी बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी है। अभी तो मैं फ्रेंड की दुकान पे आया हूँ जो कि बाहर के यूपी से सैलून है इसका, तो गाइज बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है, बहुत ही किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। थोड़ा आगे तक जाएंगे आपको वेरीनाग का पूरा मार्केट दिखाते चलेंगे गाइज। आप देख सकते हो कि भाई ने कितने कपड़े पहने हैं, ये देख सकते हो फेरन, इसके अंदर और एक है, इसके अंदर और एक बनियान पहनी है, उसके अंदर भी और एक है, फिर टी शर्ट दो पहनी है, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है गाइज, मैं आपको क्या ही बोलूं, ऊपर सर पे टोपी है। जाएंगे मार्केट में, थोड़ा सा रेस्ट किया था भाई ने इधर क्योंकि वहां से यहाँ तक बोल के आया था रोड पे, थोड़ा सा हार्ट मतलब तेज हो रहा था, अब नीचे जाऊंगा फिर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया भाई को, नीचे जाऊंगा जो जो अच्छी चीजें होंगी देखने के लिए दिखाने के लिए आपको दिखाता चलूंगा। और जो चैनल पे नए तो वो सब्सक्राइब कर दो भाई, लोग आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, मतलब जितना आप भाई को सपोर्ट करोगे ना आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो एक बार, मोबाइल भी डाउन होने वाला है गाइज, अब कर दो सब्सक्राइब भाई की चैनल को। गाइज आप देख सकते हो पूरा मार्केट जो वो की बंद है, अभी आगे मार्केट के सेंटर में बीच में आ चुके हैं हम, पूरा मार्केट बंद है गाइज, कोई दुकान खुली है आपको देख सकते हो गाइज, बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी है ये रास्ता गाइज, ये जो हम अभी मतलब वेरीनाग मार्केट के बीच में बैठे हैं, ये जो रास्ता जाता है तो ये तो जहां हम गए थे पिछली बारी कफरन साइड जाता है गाइज ये रोड, तो ये जाता है ये जवल टंडल साइड रोड जाता है और काजीगुंड के साइड जाता है रोड गाइज, आप देख सकते हो बर्फ थोड़ी भी नहीं उठी है रोड पे, ये जो रोड जा रहा है ये तो सीधे अनंतनाग के लिए जाता है गाइज। तो जाते थोड़ा सा ऊपर आपको मार्केट भी दिखाएंगे वेरीनाग का गाइज, आज तो वैसे पूरा मार्केट बंद है क्योंकि बर्फ भी नहीं उठी है रोडों पे, जो मतलब दूर दूर के दुकानदार है वो आ भी नहीं सकते क्योंकि गांव में तो बर्फ बिल्कुल भी नहीं उठी है, मतलब हमारे शहर जैसे कि आपको मैंने दिखाया था थोड़ी सी भी बर्फ नहीं उठी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई इनको, क्यों नहीं उठाई बर्फ अभी तक। तो गाइस जा रहे हैं घर की तरफ हम, तो जो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे गाइस, ये है वेरीनाग का मार्केट गाइस, आज पूरा बंद है आप देख सकते हो,
देख सकते हो आप गाइस, पूरा मार्केट बंद है। तो ये इस साइड वेरी नाका तहसील बढ़ता है, ऊपर हॉस्टल बढ़ता है वेरी नाका गाइस। तो आगे जो रोड है वो काजीगुंड के लिए जाता है, एक जाता है सीधे स्ट्रेट में जो रोड जाता है वो जवल टनल के लिए रोड जाता है। आप देख सकते हो गाइस, वो ऊपर अपने बाहर के फैन लोग बैठे हैं, आप देख सकते हो कैसे बुला रहे हैं भाई को। तो जाएंगे इनके पास, आपसे मिलाएंगे इनसे भी। तो जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे गाइस, आपके चैनल आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की। तो ये है वेरनाका तहसील गाइस, जो आपको मैंने बोला था, जो ये यहाँ पे टीवी जैसा LCD लगा है इस पे वेरनाके, मतलब जो जो भी कश्मीर में अच्छे प्लेस दिखने को है तो इस पे चढ़ता है वो। मतलब मैंने जो अभी वो प्लेस देखे, खुद मैंने वो प्लेस देखे, मतलब मैं हैंग हो गया, मुझे नहीं पता था कश्मीर में इतनी ब्यूटी है। इंशाल्लाह वो प्लेस आपको सब में दिखाऊंगा अपने वीडियो में। ये अपने फैन लोग है ऊपर चला रहे हैं। तो गाइस पहुंच गए अपने फैनों के पास हम, ये देख सकते हो अपने फैन लोग है, अपने भाई की दुकान है ये भी, ये पीछे अपना भाई, तो ये अपने फैन है बाहर के, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस ये अपने बाहर के फैन है गाइस, ये यहाँ पे काम करते हैं, आप खुद देख सकते हो हम कितने प्यार से इनके साथ रहते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, तभी आप देख सकते हो कितने प्यार। ये अपना कोहिनूर बाबू है, आप देख सकते हो ये हो रहे क्या, वो पीछे इनका बात बैठा है उस्ताद शमीम भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही टाइम हो गए इनको कश्मीर। भाई की दुकान है, सैलून है, जो कि यूपी से है, न्यू लुक हेयर सैलून। जिसको भी कटाई करने के लिए आना है तो यहीं पे आ जाएगा, जो मतलब लोकल है, जो वेरीनाग से है। क्या बोलूं मैं आपको, अभी तो भाई को आना है इनकी दुकान पे कटाई करने के लिए, पूरी बालों की मतलब अभी बालों की मतलब फटी है पूरी तरह से, पूरी तरीके से, क्या ही बोलूं मैं, बाल पूरे खराब हो गए, बालों को अच्छे से स्ट्रेट करना है, बहुत ही कुछ करना है आपको। इस दिन व्लॉग बनाएगा आपका भाई, आपको दिखाते चलेंगे, यही भाई करते है भाई की कटिंग। तो इंशाल्लाह उस दिन इसको बोलूंगा मैं, मतलब बहुत ही अच्छी करता है वैसे भी, लेकिन उस दिन मैंने अपने हिसाब से अपने तरीके से सोची है कटिंग मैंने गाइस। तो जाते हैं घर, आपको घर जाके वीडियो एंड करना है, थोड़ा सा और मार्केट दिखाते चलेंगे गाइस, बने रहिए वीडियो के। तो गाइस ये है, ये जो है ये वेरनाका हॉस्पिटल है। तो ये रोड जाता है टनल के लिए सीधे स्ट्रेट में, तो उस वाले रोड से जाता है जो मतलब काजीगुंड का रोड, फिटर रोड पे पहुंचते जहां से आपको बस मैंने दिखाया था पुरानी टनल का रोड। तो गाइस पूरा मार्केट बंद है, आप देख सकते हो खुद ही, क्योंकि उतनी जो बर्फ है रोडों पे नहीं उठी है, जो दूर दूर के दुकानदार है जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि गांव से है, तो जब बर्फ नहीं उठी है तो वो कैसे आ सकते दुकान पे, इसलिए पूरा मार्केट बंद है। तो भाई के लिए मतलब थोड़ा सा आसान हुआ ब्लॉगिंग करना मार्केट में, क्योंकि लोगों के जब भीड़ होती है मार्केट में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उतना मैंने आज जैसे कि आपको बोला, अभी भाई आपको इतना ब्लॉगर नहीं बना है, उतना नहीं सीखा है। तो गाइस जो ये रोड जाता है ये तो सीधे गार्डन की तरफ जाता है, गार्डन के लिए तीन मतलब रास्ते, तीन गेट है गार्डन के, ये ऊपर का है। तो ये सीधे मार्केट के लिए, सीधे मार्केट पे पहुंचोगे आप। तो ये जो रोड है गाइस ये जाता है फिटर रोड से लिंक होता है, मतलब ये फिटर रोड इसको बोलते हैं, ये जो कि आगे नेशनल हाईवे से लिंक होता है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, और ये जो रोड जा रहा है ऊपर की तरफ जो हमारी घर की तरफ जाता है, तो ये आपको आगे लिंक पड़ेगा मतलब नेशनल हाईवे से, लेकिन टनल के नजदीक जो जवाहरलाल टनल पुरानी टनल है, मतलब जो मतलब कि मतलब अभी तो नई टनल बनी है, लेकिन जो कि माउंटेन लवर्स होते हैं, जो जिनको पहाड़ों की खूबसूरती पसंद आती है, जो बाहर के आ सकते हैं वो यहां से भी आ सकती है, सीधे जवाहरलाल रोड से लिंक होता है गाइज। तो गाइज पहुंच गए फाइनली, आपका भाई घर पहुंच गया। तो क्या ही बोलूं आपको मैं, बहुत ही ज्यादा ठंड थी और मार्केट में व्लॉगिंग करके मतलब अंदर भी लग रहा है कि कुछ किया है, कहीं पे गया हूं, तो यार क्या ही बोलूं, मतलब अजीब सी मतलब फीलिंग आ रही है अंदर। तो आपसे बात के आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। तो इंशाल्लाह जो नया कंटेंट होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा भाई। तो दे दो इस वीडियो में भाई को इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज, और भाई के लिए दुआ करते रहना, और भाई की दुआ हमेशा आपके साथ है, ऑलवेज आपके साथ ही रहेगी। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में अच्छे कॉन्टेंट के साथ।